हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल लर्न टू टर्न में। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सच में फर्स्ट सर्विसिंग के बाद हमारी कार का एवरेज बढ़ जाता है। दोस्तों, नई कार लेने के बाद हर एक के मन में सवाल रहता है या फिर उसे लगता रहता है कि अभी हम मेरी कार की फर्स्ट सर्विसिंग हुई नहीं है, अगर फर्स्ट सर्विसिंग हो जाएगी तो मेरे कार का माइलेज जो है, एवरेज जो है, वो इंप्रूव हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी कार की जो फर्स्ट सर्विसिंग है वो कुछ ही दिन पहले हो गई है। क्या मेरे कार का एवरेज फर्स्ट सर्विसिंग के बाद बढ़ गया है या फिर वैसे का वैसा है? क्या सच में फर्स्ट सर्विसिंग के बाद हमारी कार का एवरेज बढ़ जाता है या फिर हमारे कार का एवरेज फर्स्ट सर्विसिंग के पहले क्यों कम मिलता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सही है कि कार की फर्स्ट सर्विसिंग के बाद कार का एवरेज थोड़ा बहुत बढ़ने लगता है, लेकिन कार सर्विस होने के बाद ही वो एवरेज बढ़ता है या फिर सर्विसिंग का और माइलेज का कुछ लेना देना है, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट सर्विसिंग के टाइम के बाद ही कार का एवरेज माइलेज क्यों बढ़ता है वो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले हम बात करेंगे कि फर्स्ट सर्विसिंग के पहले हमारी कार को कम एवरेज क्यों मिलता है। दोस्तों, आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि अगर आपकी कार नहीं है, अगर आपकी कार की सर्विसिंग नहीं हुई है, तब तक हमें अपनी कार एकदम स्लोली चलानी है, लिमिटेड स्पीड में चलानी है, उसे हार्डली रेव नहीं करना चाहिए, इंजन की लाइफ कम होती है या फिर हमारा जो फ्यूल एफिशिएंसी है वह हमें बाद में कम ही मिलती है, ऐसा आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा। लेकिन दोस्तों, वैसा खासकर कुछ नहीं होता है। अगर आप फॉलो भी नहीं करोगे फिर भी चल जाता है, क्योंकि कार का इंजन पहले ही काफ़ी टेस्ट से गुजर चुका होता है। लेकिन दोस्तों, मैन्युफैक्चरर द्वारा सिर्फ जो इंजन होता है वो सिर्फ इंजन के साथ ही उसे बार बार टेस्ट किया जाता है, लेकिन कार की पूरी बॉडी के साथ, ब्रेक पैड्स वगैरह और भी जो चीज़ें हैं उसके साथ उसे टेस्ट बहुत कम किया जाता है। और दोस्तों, हमारी कार जब बन जाती है उसके बाद उसे सारे पार्ट्स के साथ सेटल होने में, पिस्टन के साथ या फिर फ्यूल लाइन के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ सेटल होने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। फॉर एग्जांपल 800 से 1000 किलोमीटर्स उसे वो सेटल होने में टाइम लग जाता है, इसकी वजह से हमें फ्यूल एफिशिएंसी कम मिलती है। और दोस्तों, दूसरा रीज़न ये है कि जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक कार की क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर की सेटिंग अलग अलग होती है। दोस्तों, अगर आप पहले अलग कार चला रहे हो, अगर आप पहले बड़ी कार चला रहे हो या फिर छोटी कार चला रहे हो, तो उससे हम हमारी कार के ऊपर, क्लच के ऊपर हेवी हो जाते हैं, एक्सीलेटर पर हेवी हो जाते हैं, उसके लिए हमारी कार हमें ठीक से आने तक, हमारी कार हमें नई कार समझने तक हम हमारी कार पर हेवी रहते हैं, उसकी वजह से हमें एवरेज भी कम मिलते रहता है। और जब हमारी कार की फर्स्ट सर्विसिंग हो जाती है, यानी कि 2-3 महीने हो जाते हैं, तब तक हमें हमारी कार की आदत हो चुकी होती है और उस तरह से हम अपनी कार चलाने लगते हैं। हम 2-3 महीने में समझ लेते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसी ड्राइव करनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा एक्सेलरेट करना चाहिए, तो उस हिसाब से भी हमारी कार फर्स्ट सर्विसिंग के टाइम के बाद अच्छी एवरेज देने लगती है, लेकिन फर्स्ट सर्विसिंग से उसका कुछ लेना देना नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि सब सेटल होने में उसे 800 से 1000 किलोमीटर्स लगते हैं, उसके बाद वो सेटल हो जाते हैं और हमारी फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी बढ़ने में मदद होती है। और दोस्तों, खासकर जो हमारी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो 4,500 से 5,000 के बाद और भी ज़्यादा बेहतर होने लगती है। और जब हमारा ऑयल चेंज होता है हमारी कार 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, उसके बाद तो हमारी कार की फ्यूल एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फर्स्ट सर्विसिंग से कार की माइलेज बढ़ने का कोई लेना देना नहीं होता। मैंने काफ़ी लोगों से बोलते हुए सुना है कि हाँ, अभी तक फर्स्ट सर्विसिंग हुई नहीं है तब भी मेरी कार इतने एवरेज दे रही है, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ज़्यादा एवरेज दे देगी, वैसा नहीं होता। कार के पार्ट्स को सेटल होने में 800 से 1000 किलोमीटर्स लग जाते हैं, वो सेटल हो जाने के बाद वो एवरेज धीरे धीरे बढ़ते रहता है। फर्स्ट सर्विसिंग में कुछ नहीं होता है, सिर्फ जनरल चेकअप होते हैं, जैसे कि आपने मेरे वो सर्विसिंग वाले वीडियो में देखा ही होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में जाकर देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट सर्विसिंग में वो सिर्फ जनरल चेकअप करते हैं, उससे और फ्यूल एफिशिएंसी का कुछ लेना देना नहीं होता। ये कुछ अंदरूनी चीज़ें रहती है, उसकी वजह से हमारी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ने में
में मदद होती है। अगर आपकी कार आपको पहले से अच्छी तरीके से आती है, अगर आप अपनी कार को जल्दी समझ लेते हैं, तो फर्स्ट सर्विसिंग के पहले भी आपकी कार आपको अच्छी माइलेज दे देगी। अगर आप मुझे पूछोगे कि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद आपका कितना एवरेज बढ़ा है, तो मुझे खास इतना कुछ डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने मेरी कार को जल्दी कैच कर लिया था, उसकी वजह से मैं उसी हिसाब से ड्राइविंग करता था, तो जो पहला मुझे एवरेज मिल रहा था उसी हिसाब से भी मुझे अभी जो कार का एवरेज है वो मिल रहा है। अगर मैं कार को हार्डली रेव करता हूँ तो मुझे कम एवरेज मिल जाता है, अगर मैं ठीक से चलाता हूँ तो मुझे मेरा एवरेज 16 तक भी चला जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हमें फर्स्ट सर्विसिंग करनी ही नहीं चाहिए, दोस्तों टाइम टू टाइम सर्विस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी कार में कोई दिक्कत रहे तो वो सर्विस सेंटर में जो मैकेनिक्स है उन्हें समझ में आ जाएगी और वो दिक्कत वो क्लियर कर सकते हैं, इसलिए कार की सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवा लेना ज़रूरी है। और दोस्तों हमें अच्छी एवरेज मिलने के लिए क्या करना चाहिए, फ्यूल एफिशिएंसी अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके बारे में मैं जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ आते रहता हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो, जिससे कि आपको कार ड्राइविंग में और कार के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलने में मदद होगी।